बेस्ट 3 स्टार्टर फार्म ऑफ माइनक्राफ्ट। अगर तुम लोगों ने ये अपने वर्ल्ड में बना लिया ना ये 3 फार्म, तो तुम लोगों को मजा ही आ जाने वाला है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं फिर। सो बात करते हैं बेसिक नीड्स की। तो बेसिक नीड होता है रोटी, कपड़ा, मकान। तो पहले बात करते हैं रोटी की। तो पहले हम फूड फार्म बनाने वाले हैं। सो फूड फार्म में तुम लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ, तुम लोग बस वीडियो को कंटिन्यू देखो कि कैसे मैं बना रहा हूँ और बस फॉलो करो। देखो ये जो मैं जिस ब्लॉक पे बना रहा हूँ वो 8x8 का है, तो पहले तुम लोगों को दिखा दूँ, कुछ इस टाइप का बन के तुम लोगों को तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को स्टेयर्स लेना है और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बस मुझे फॉलो करो और मैं बिल्कुल डिटेल में तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। तुम लोग जैसे कि देख ही रहोगे, यहाँ पे बिल्कुल वाटर डाल दो और बिल्कुल सिमिलरली सेम साइड इस साइड भी बना लो। उसके बाद इधर भी वाटर डाल दो, देन इन दोनों को होने के बाद ऊपर से ढक देना। बाकी तुम लोग यहाँ पे 8 ब्लॉक्स का मतलब 8 ब्लॉक्स ही वाटर ट्रेवल करता है, इतना तुम लोगों को पता ही होगा अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट देखते हो तो। सो और खेलते हुए यार, और चलो देखो उसके बाद यहाँ नीचे भी तुम लोगों को 8 ब्लॉक्स तक बाहर आ जाना है। काउंट कर लो, बाकी 8 ब्लॉक्स तक तुम बाहर आ जाओगे। तो सो इसमें भी पानी डाल देना, जब पानी इसमें भी डल जाएगा दोनों साइड से, सो इधर भी बिल्कुल ढक देना। अब देखो इतना हम जुगाड़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज तुम लोगों को भी पता है जब तुम लोग यहाँ पे बीज बोओगे सो उधर वाटर जब तक नहीं पहुँचेगा तो पूरा वापस से ज़मीन बंजर हो जाएगी। और यहाँ पे अब तुम लोगों को ये लगा देना, और जब ये लग जाएगा इसके अंदर वाटर डाल देना, एक एक बकेट पूरा वाटर डाल देना। अभी ये हम जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा तब देखोगे तुम लोग बहुत ज़्यादा औसम बन के तैयार हो जाएगा। और बाकी तुम लोग देख सकते हो इसके ऊपर हम रेड स्टोन डस्ट लगा रहे हैं। अब रेड स्टोन डस्ट पूरे तरीके से लग गया। अब यहाँ पे एक तुम लोगों को रिपीटर लगाना है, रेड स्टोन रिपीटर, एंड देन उसके पीछे से रेड स्टोन कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको पूरा हो जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक लीवर जरूर से लगा देना, एक्टिवेट करके देख लो। बिल्कुल ये देखो हमारा जुगाड़ कितना ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, वाटर यहाँ तक आ रहा है, मतलब हमारा फार्म बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। अभी ये देखो बंद करने के बाद बंद भी हो गया, वाओ दैट्स गजब। अब होश से तुम लोगों को अच्छे से पूरी की पूरी जमीन को फर्टिलाइज कर देना है, देन उसके बाद अपनी मर्जी से तुम लोग बीज लगा सकते हो। अभी तो मैं फिलहाल बीज ही लगा रहा हूँ, एंड नीचे कैरेट लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दो दो सही रहेगा ना यार। नीचे देखो कैरेट अच्छी तरीके से लगा देता हूँ, तुम अपनी मर्जी से लगा सकते हो। तुम लोग पोटैटो वेटैटो जो लगाना है तुम लोग लगा सकते हो, एंड ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हो तुम लोग पूरी तरीके से मैंने लगा दिया है। एंड जब तक अब ये ग्रो होगा तब तक के लिए मैं तुम लोगों को दिखा दूँ कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है यार, कितना मस्त लग रहा है। आप देखो जब ये बन के तैयार हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ से अभी बटन ऑन करते ही पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो सिस्टम बना लेते हैं ना चेस्ट वाला, तो यहाँ पे दो चेस्ट भी लगा देते हैं, बाकी पीछे इसके हॉपर कनेक्ट कर देंगे। देखो जैसे सुबह भी हो चुकी है और अब हम इसके पीछे हॉपर कनेक्ट कर देते हैं अच्छे से। अब देखो सारे के सारे हॉपर कनेक्ट कर देते हैं। देखो शिफ्ट का बटन दबाना मत भूलना, देन उसके पीछे पीछे अब हॉपर कनेक्ट कर देता हूं मैं। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं बिल्कुल तुम लोग मुझे फॉलो करो, मेरी बातों पे ध्यान मत दो, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं बस तुम लोग उसको फॉलो करो, देन तुम लोगों का बिल्कुल अच्छा वाला फार्म बनके तैयार हो जाएगा। और तुम लोग देख सकते हो यहां लार्ज चेस्ट बिल्कुल खाली है और हमारे सारे के सारे क्रॉप्स ग्रो हो चुके हैं। देन अब लीवर बटन दबाने का वक्त आ चुका है और देख सकते हो तुम्हारी आंखों के सामने सुनहरा वो और पूरा का पूरा क्रॉप्स आ चुका है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो 2 स्टैक प्लस कैरेट, देन उसके बाद वीट भी है हमारे पास और बहुत सारी बीज भी। सो अब बात करते हैं ब्लॉक्स की। अब देखो जब ब्लॉक्स तुम्हारे पास होंगे तभी तो तुम अपना मकान वकान बना पाओगे ना इस गेम में। सो और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी तुम ब्लॉक्स के ही हिसाब से बना पाओगे। और ब्लॉक जब तक तुम्हारे पास एक अच्छा सा तुम्हारे पास कोबल स्टोन फार्म ना हो तो क्या ही बात। सो आज की वीडियो में ये वाले सेकेंड फार्म में मैं तुम लोगों को इतना गजब वाला सिखाने वाला हूँ ना, मुझे पता है तुम लोगों के पास बेडरॉक एडिशन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हो तुम लोग, और जावा वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा नहीं जावा वाले छोड़ के भाग जाओ। सो अब देखो इसके पीछे जैसे जैसे मैं बना रहा हूं बस सेम डिटो बना दो भाई, इतना गजब बनने वाला है ना। तुम मेरे से भाई लिखवा के ले लो ये फार्म, तुम अपने वर्ल्ड में बनाओ। बाकी इसकी फुल डिटेल वीडियो भी मैंने बना के रख रखी है, अगर तुम लोगों को इसमें ना समझ आए तो ऊपर आई बटन में आई रहा होगा, या फिर मैं तुम लोगों को लास्ट में लिंक दे दूंगा, या फिर तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो भाई फुल डिटेल वीडियो है और उसमें तो भाई मजा आ जाने वाला है, तुम लोग बस उस वीडियो को देख लेना। देन आप देखो जैसे जैसे मैं बना रहा हूं बस मुझे फॉलो करो। अब यहां देखो आधे से ज्यादा वीडियो तो बन चुकी है, देख सकते हो आधे से ज्यादा वीडियो खत्म भी हो चुकी है और मुझे पता है अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया होगा। सो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। और बाकी यहां पे मैंने वाटर भी डाल दिया है और ऊपर से आप ढक दो, देखो अच्छे से ढकना मत भूलना, कोई अगर नहीं भी ढकोगे तो कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी ढक दो, अच्छा लगता है देखने में। देन देखो लावा डालोगे, देन तुम्हारा बन के तैयार हो चुका है कोबल स्टोन फार्म। बस इतना ईजी भाई, इतना ईजी तो कुछ होता ही नहीं है भाई, इतना ईजी कुछ हो सकता है क्या। देखो यही है हमारा फार्म जो मैंने डिटेल वीडियो में बनाया था, और बाकी तुम लोग
लोग जाके इस वीडियो को देख सकते हो। अब देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पे लाइव में करके दिखाता हूँ कि कोबलस्टोन माइन अब कितने एक दो मिनट के अंदर ही अंदर तुम्हारे सामने, बस एक दो मिनट के अंदर ही अंदर देखो कितना जमा होता है। देखो मैं सर्वाइवल में हूँ और भाई एक स्टैक प्लस, भाई तुम लोगों को नहीं एक स्टैक नहीं 56 फिर भी यार बहुत होते हैं यार, दो कितना जल्दी बन भी गया। इसके बारे में तो तुम लोगों को पता ही होगा, इसे सुपर स्मेल्टर बोलते हैं। आई नो मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पता होगा, बाकी मैंने इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बना रखा है कि कैसे बनाते हैं। देखो जितनी भी मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ और जो जो मैंने बना रखा है उस सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम लोग मेरे फार्म ट्यूटोरियल का पूरा प्ले लिस्ट देख सकते हो, जाके देख लेना। बाकी मैं तुम लोगों से मजे ले रहा हूँ, जाके तुम लोग देख लेना ठीक है फुल ट्यूटोरियल वीडियो। बाकी मैं एक बार और तुम लोगों को सिखा देता हूँ सुपर स्मेल्टर कैसे बनाते हैं, देखो कितना ज़्यादा ऑसम होने वाला है। ब्लॉक्स भी बहुत जल्दी मेल्ट कर देता है एंड फूड भी। सो चलो जल्दी से मैं तुम लोगों को सिखा देता हूं। सो यहां पे देखो तुम लोगों को पहले दो चेस्ट लगाना है, देन इसके पीछे तुम लोगों को या हॉपर कनेक्ट कर देना है, हॉपर के ऊपर तुम लोगों को फर्नेस लगा देना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बस मुझे फॉलो करना है और कुछ नहीं। बाकी इसकी फुल डिटेल वीडियो तो तुम लोगों को मिल ही जाएगा मेरे चैनल पे। देखो इस वीडियो से सिर्फ एक वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर रखा है तो जाके तुम लोग देख सकते हो। बाकी इसके पीछे तुम लोग हॉपर कनेक्ट कर देना एंड उसके बाद इसके साइड में यहाँ पे तीन ब्लॉक इधर और चार ब्लॉक इधर, देन उसके बाद ऊपर जाके तुम लोगों को यहाँ पे लगा देना है एक ब्लॉक और एक ब्लॉक नीचे, देन उसके नीचे वाला ब्लॉक तोड़ देना है दोनों साइड के, देन सेम चीज अपोजिट साइड भी कर देना है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने अपोजिट साइड भी कर दिया है। बाकी मैं वो इतना कह दूं तुम लोगों के, अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फिर जाओ यार, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता। और बाकी डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर देना बाकी फार्म ट्यूटोरियल सीरीज का। बाकी तुम लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में तुम लोगों को बहुत सारे फार्म्स मिल जाएंगे, आयरन फार्म जो जो फार्म की जरूरत है ऑलमोस्ट मैंने सब बना रखा है। बाकी तुम लोग देख सकते हो ये हमारा रेल वाला सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोगों को लीवर लगाना है, यहाँ पे दोनों तरफ लीवर लगा देना है और यहाँ नीचे पीछे की तरफ आके दूसरी तरफ यहाँ पे लीवर लगा देना है, देन एक्टिवेट कर देना है दोनों को। ये एक्टिवेट हमने इसलिए किया है बिकॉज हमारे ऊपर वाले रेल भी एक्टिवेट हो गए होंगे, तुम लोग देख सकते हो। देन उसके बाद तुम लोगों को माइनक्राफ्ट विद चेस्ट ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा देना है, देन देखो यार बस इतना बोलते बोलते हमारा फार्म भी बन के तैयार हो चुका है। अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना, पीछे डाल देना है तुम लोगों को फ्यूल एंड देन आगे डाल देना है तुम लोगों को वो जो चीज तुम लोगों को स्मेल्ट करना है, देन पीछे वाला तुम लोगों को लीवर एक्टिवेट करना है। देखो पीछे वाला कार्ट जा चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, हमारा फ्यूल डल चुका है, देन ऊपर वाला कार्ट एक्टिवेट करते हैं और बस स्टार्ट हो चुका है सुपर स्मेल्टर। अब देखो जस्ट तुम्हारे सामने कुछ सेकेंड के अंदर अंदर वो वाला फार्म यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, बस छोटा सा कर दिया है, थोड़ा सा छोटा। बाकी फुल डिटेल वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे तुम लोग बड़ा वाला भी सुपर स्मेल्टर बना सकते हो। बाकी तुम लोग अगर सेम मेरी तरह बनाना चाहते हो तो वो भी बन के तैयार हो जाएगा। और बाकी आप देखो फ्यूल वाला बंद कर देते हैं और तुम लोगों को चेक कराता हूँ इसके अंदर, देखो कितने बढ़िया से चल रहा है अभी अंदर सारे के सारे फर्नेस में। अभी हमारा देखो तुम लोग मीट पक रहा है और भाई क्या ही मज़ेदार चिकन है, तुम लोग देख सकते हो हाथ में। और तुम लोग अब देख सकते हो यहाँ पे हमारे चेस्ट में 10 चिकन जमा भी हो चुके हैं और भाई साहब देखो फिर एक मिनट जस्ट तुम लोगों के सामने कुछ सेकंड के अंदर अंदर ही 20 चिकन हो चुके हैं। भाई इतना जल्दी कोई भी बना के नहीं देता है, अगर तुम अपने फर्नेस में भी डालोगे ना तो इतना जल्दी स्मेल्ट नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर तुम लोग आयरन वायरन सब भी चीज़ स्मेल्ट कर सकते हो, सब चीज़ स्मेल्ट कर सकते हो जो भी ज़रूरत हो। और बाकी तुम लोग पीछे देख रहे हो एक्सपी फार्म देख ही रहोगे, उसका भी फुल डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा है ना मेरे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं तो आज तुम लोग डिस्क्रिप्शन खोलो, अगर तुम लोगों ने देखा है तो एक बार और जाके देख लो यार क्या जाता है तुम लोगों का, जाके देख लेना। बाकी अगर आज की वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करो और कौन कौन से फार्म तुम लोग देखना चाहते हो। बाकी मैं तुम लोगों के ही मुताबिक वीडियोज लाऊंगा, जो जो चाहिए वो सब कमेंट कर दो। बाकी इसका पार्ट 2 भी डालूंगा और बहुत कुछ, बस कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर देना। बाय बाय।